हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मेरा नाम है अशोक और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पार्टी बॉय अशोक में। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक ही होंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। तो चाय वगैरह पी ली है, अब जाते हैं किचन में और देखते हैं किचन में जाके कि क्या कर रही है बीवी। आप देख सकते हो कि अभी मेरी बीवी जो है वो चपाती बना रही है, गोल गोल चपातियाँ बन रही हैं। तो जैसे ही मैं किचन में पहुंचा तो बीवी खाना बना रही थी और हमारा जो छोटा बच्चा है वो अपनी मस्ती कर रहा था। तो चपातियाँ बन के तैयार हैं और दाल शाम की बची हुई है तो उसको भी गर्म कर रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको कि किस चीज़ की दाल है। अभी बच्चा पंखे कर रहा था कि मैंने हिलाना है दाल को, तो ये दाल को हिला रहा है। बहुत ही पंखे करता है ये, बहुत ज़्यादा पंखे। छोटू सा है पर पंखे पर ज़्यादा करता है। तो अभी दाल वगैरह गर्म हो गई है और हम खाना डालते हैं। तो ये है राजमा की दाल, सफ़ेद राजमा की दाल है। ये अपने करेले हैं देसी मीठे करेले। एक होता है कपड़ा करेला और एक होता है मीठा करेला। ये मीठे करेले की सब्जी है, ये राजमा की दाल है और चपाती है। तो खाते हैं खाना। तो दोस्तों अभी हमारा खाना पीना हो गया है और अब जाते हैं नीचे। अब मैं जा रहा हूँ कमरे के अंदर, तो कमरे के अंदर दिखाते हैं और करते हैं काम। तो आप सोच रहे होंगे कि आज सारा काम खुद ही क्यों कर रहा है, क्योंकि जो मेरी बीवी है इसको प्रेगनेंसी के टाइम हुआ था इसका ऑपरेशन, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है तो उस जगह में दर्द हो रही है। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, ये दिन का 1 बजने को आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी बीवी को पेट में दर्द हो रही है, तो अभी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमारे गांव में ही एक डॉक्टर है, उसके पास चेकअप करवाने के लिए जा रहे हैं। अब हम ऊपर जा रहे हैं डॉक्टर के पास, दिखाते हैं डॉक्टर को कि क्या बोलता है डॉक्टर। ये देखो ये बच्चा भी जा रहा है साथ में। पापा मेरे पास छाता नहीं है। छाता छाता कहाँ डालना आपने? तो अभी गांव के बस बीचों बीच पहुंच गए हैं, ऊपर जाते हैं। अब बने रहो वीडियो में कंटिन्यू, दिखाते हैं कि क्या बोलता है डॉक्टर, किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। फाइनली दोस्तों मैं जहाँ पे कि हमारे डॉक्टर की दुकान है वहाँ पे पहुंचने वाला हूँ। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे डॉक्टर की दुकान है, तो वहाँ पे पहुँच गए हैं। अब देखते हैं अंदर जाके। यहाँ पर पहुँचने के बाद देखा तो यहाँ पे लॉक लगा था, डॉक्टर तो आज आया नहीं है। जो भी मेरे लोकल सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता दूँ कि जो हमारे डॉक्टर साहब थे, जहाँ पे उनकी पहले शॉप थी वहाँ से उन्होंने दूसरी जगह पे शिफ्ट कर ली है। आप जगह पहचान सकते हो कि कहाँ को शिफ्ट हुए हैं। जहाँ पे हमारे प्रधान साहब की पुरानी दुकान थी वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पहले हम ऊपर डॉक्टर के पास गए थे तो वहाँ पे तो डॉक्टर मिले नहीं। अब यहाँ से 8-8 किलोमीटर आगे एक और डॉक्टर है, वहाँ पे जा रहे हैं अब। तो वहाँ पे चेकअप करवाते हैं और क्या बोलते हैं डॉक्टर कि क्या है, किस वजह से हो रही है। तो अभी वहाँ जा रहे हैं, तो
गाड़ी वाले को कॉल कर दी है और गाड़ी वाला भी आता ही होगा, तो हम भी जल्दी जल्दी रोड में पहुंचते हैं। दोस्तों अब आप देख सकते हो कि मैं और मेरी बीवी दोनों रोड में पहुंच गए हैं, तो बस गाड़ी वाले भी पहुंच ही गया है और अब बैठते हैं गाड़ी में। तो अभी हम डॉक्टर वगैरह को चेकअप करवा के आ गए हैं वापस। तो अभी हम पहुँचे हैं ढगावाली मंदिर के पास। तो फर्स्ट ब्लॉग मैंने ये बनाया था ढगावाली मंदिर का, आप उसको भी देख सकते हो। ये है ढगावाली मंदिर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो अब जाते हैं घर को। फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे कि हमारा स्टेशन है, वहाँ पे पहुंच गए हैं और अब जाते हैं घर को। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। तो आप देख सकते हो हम घर पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर ने क्या बोला और क्या नहीं बोला और कितनी सी दवाइयाँ दी हैं। तो ये दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर साहब ने, 3 दिन की दवाइयाँ दी हैं और बोला है कि आप पहले इनको खाओ और अगर इससे ठीक नहीं होता तो दोबारा टेस्ट वगैरह लेने पड़ेंगे। बस दोस्तों कुछ इस तरह का रहा आज का पूरा दिन। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जिन्होंने भी अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पे जाके प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।